नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉक्स के एक बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं एक न्यू टेक्सटाइल पार्क से, जहां पर दोस्तों वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो उनकी स्टेट में एक मीडियम साइज का टेक्सटाइल पार्क सेटअप करेंगे और इसके डेवलपमेंट से रिलेटेड लैंड आइडेंटिफिकेशन का काम स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों 200 एकड़ के एरिया में ये बनकर तैयार होगा पश्चिम मेदिनीपुर के सालबोनी विलेज और पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट का दुर्गापुर और आसनसोल। ये दोनों पोटेंशियल लोकेशंस आइडेंटिफाई की गई हैं। इस टेक्सटाइल पार्क के अलावा फुलिया और शांतिपुरा, यहाँ पर डाइंग फैसिलिटीज और डिजाइनिंग सेंटर्स बनकर तैयार होंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रपोजल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और या फिर यूं कहें कि हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भेजा गया है। अगर हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको अप्रूवल दी जाती है तो आप कह सकते हैं कि इसका काम तेजी से होगा, और अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट खुद से ही इसको डेवलप करती है तो इसको डेवलप करने में थोड़ा समय लग सकता है। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों एप्पल के एक और सप्लायर ने हमारे देश में एप्पल के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है और इस बार एयरपोर्ट से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की गई है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि धीरे धीरे एप्पल इनकॉर्पोरेशन उनके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इंडिया में शिफ्ट कर रहा है। हालांकि उनके ज्यादातर प्रोडक्ट्स उनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ही आते हैं, धीरे धीरे उनकी जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो अलग अलग कंट्रीज में काम करती हैं वो हमारे देश में उनके प्लांट को सेटअप कर रहे हैं। हालांकि इस बार जो एयरपोर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम स्टार्ट किया गया है वो कम्प्लीटली एयरपोर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में नहीं होगी, एयरपोर्ट्स के इनक्लोजर्स और जो प्लास्टिक बॉडीज हैं उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग जेबिल इनकॉर्पोरेशन जो कि एक यूएस बेस्ड कंपनी है इनके द्वारा पुणे में स्टार्ट की गई है। इन पार्शली मेड प्रोडक्ट्स को यहाँ से चाइना या फिर वियतनाम में एक्सपोर्ट किया जा रहा है जिनको फिर एयरपोर्ट्स की प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है, पर क्योंकि अब स्टार्टिंग हो गई है तो आप कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली अगले कुछ सालों में कंप्लीट प्रोडक्शन भी हमारे देश में हो पाएगी और आईफोन के बाद एयरपोर्ट्स हमारे देश में एप्पल का ऐसा दूसरा प्रोडक्ट बन गया है जिसकी पार्शली मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में स्टार्ट हो पाई है। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है एक और बायोडाइवर्सिटी पार्क से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों यमुना रिवर की इकोलॉजी के रिवाइवल के लिए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड कर लिया गया कि वो यमुना फ्लड प्लेन के आसपास एक बायोडाइवर्सिटी पार्क डेवलप करेंगे और इसको लेकर प्लान बहुत ही फाइनलाइज कर दिया जाना है। दोस्तों यमुना रिवर के पोल्यूशन में 70% कंट्रीब्यूशन दिल्ली का ही रहता है और पिछले कुछ समय से देखा गया कि दिल्ली गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि यमुना के पोल्यूशन को कम किया जाए पर उसका कुछ ज़्यादा फायदा हो नहीं रहा है। रिसेंटली इसकी इकोलॉजी के रिवाइवल के लिए हमारी नेशनल मिशन फॉर क्लीन कमेटी के द्वारा कहा गया था कि वो एक बायोडाइवर्सिटी पार्क को यमुना के फ्लड प्लेन के पास डेवलप कर सकते हैं अगर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी उनको प्रॉपर लैंड देती है। तो अभी इसी प्रपोजल के ऊपर काम स्टार्ट हो गया है। मोस्टली कहा जा रहा है कि अगले कुछ ही वीक के अंदर अंदर इसको प्रूव कर दिया जाएगा, क्योंकि अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर एक हाई लेवल की मीटिंग होनी है जहां पर यमुना की क्लीनिंग या फिर यमुना के पोल्यूशन को दूर करने को लेकर डिस्कशंस की जानी है और मोस्ट प्रोबेबली वहां पर इस बायोडाइवर्सिटी पार्क को भी अप्रूव किया जाएगा। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है बुड्ढा नाला रिजुविनेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों लुधियाना के बुड्ढा नाला रिजुविनेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार हो गया है और फरवरी 2 को पंजाब के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसका इनॉग्रेशन कर दिया जाना है। दोस्तों बुड्ढा नाला पंजाब का एक सीजनल वाटर स्ट्रीम है जो पंजाब के मालवा रीजन से होकर गुजरता है और क्योंकि लुधियाना के काफ़ी ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड और हाईली इंडस्ट्रियलाइज एरिया से होकर गुजरता है तो लुधियाना में एक तरह से ये ओपन ड्रेन बन चुका है, जो कि एक प्रॉब्लम है क्योंकि लुधियाना से आगे जाते ही सदर्न पार्ट में बहुत सारे फार्मर्स इसको इरीगेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसका पानी पोल्यूशन के चलते इतना गंदा हो चुका है कि इसका रिवाइवल ज़रूरी है और काफ़ी लंबे समय से इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हो रहा है। 840 करोड़ रुपये स्पेंड करके इसके रिवाइवल के ऊपर काम किया जा रहा है जिसके अंतर्गत कई सारे बड़े बड़े पर काम किया जाना है और उसमें दो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी बनकर तैयार होने हैं। एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 225 मिलियन लीटर्स पर डे की कैपेसिटी वाला होगा जबकि दूसरा 60 MLD पर डे का होगा। जो बड़ा वाला प्लांट है यानी कि 225 मिलियन लीटर्स पर डे की कैपेसिटी वाला प्लांट है अब वो बनकर तैयार हो गया है, ट्रायल्स भी उस पर जारी हैं और फरवरी 2 को इसका इनोग्रेशन कर दिया जाना है, जबकि छोटा प्लांट ऑलमोस्ट 70% बनकर तैयार हो गया है और जून तक उसका भी इनोग्रेशन कर दिया जाना है। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई मेट्रो से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई मेट्रो लाइन 11 को भी अब इंप्लीमेंट करेगी और बहुत ही जल्द मुंबई मेट्रो रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से प्रोजेक्ट MMRCL को हैंडओवर कर दिया जाना है। दोस्तों MMRCL करंटली मुंबई मेट्रो के अंतर्गत जितनी भी लाइन्स बन रही हैं उनमें से सिर्फ एक लाइन 3 का ही कंस्ट्रक्शन कर रही है और क्योंकि लाइन 11 जो कि मुंबई मेट्रो की लाइन 3 की तरह मोस्टली अंडरग्राउंड ही होगी तो यहाँ पर MMRCL की काफ़ी अच्छी एक्सपर्टीज़ है कि वो इसको और भी बेहतर ढंग से डेवलप कर पाएँ। हालांकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा पहले इसका टास्क MMRDA को दिया गया था लेकिन 70% अंडरग्राउंड होने के चलते अब मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही इसको हैंडल करेगी। वडाला से CSMT के बीच में लाइन बनकर तैयार होगी और वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका काम अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो प्री एक्टिविटीज़ हैं अभी उन पर भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, पूरा का पूरा काम अभी इसका MMRCL के द्वारा ही हैंडल किया जाना है।
अगली दो सबडे निकल कर आ रही है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की सोना से दोसा के बीच में स्ट्रेच पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है और फरवरी 12 को हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसका इनॉग्रेशन कर दिया जाना है। दोस्तों मैंने आपको उस दिन पहले ही बता दिया था कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अंतर्गत हरियाणा के सोना से राजस्थान के दोसा के बीच में 293 किलोमीटर लंबी स्ट्रेच बनकर तैयार हो गई है और अब इसका इनॉग्रेशन किया जाना है। एक बार जब इसे खोल दिया जाता है तो 120 किलोमीटर पर आर की मैक्सिमम स्पीड से व्हीकल्स यहां पर ऑपरेट हो पाएंगे। और दोस्तों मैं आपको पूरा एक्सप्रेसवे का अपडेट दूं तो एज ऑफ नाउ हरियाणा स्टेट में 79 किलोमीटर, राजस्थान में 214 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में भी 214 किलोमीटर और गुजरात स्टेट में 100 किलोमीटर तक का इसका पार्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। और मोस्ट पब्लिक कहा ऐसा जा रहा है कि इस स्ट्रेच के बाद दूसरी स्ट्रेच मध्य प्रदेश स्टेट में ओपन होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश स्टेट में ये एक्सप्रेसवे ओवरऑल 244 किलोमीटर का पार्ट कवर करेगा, जिसमें 214 किलोमीटर का पार्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है, जबकि रिमेनिंग 30 किलोमीटर का पार्ट भी 80-90% तक कम्प्लीट हो चुका है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है कोलकाता बेस्ड कॉन्ग्लोमरेट ITC लिमिटेड से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों उनका लॉजिस्टिक एंड फूड बिजनेस एक्सपांड करते हुए ITC लिमिटेड के द्वारा एक ओवर फूड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक फैसिलिटी ओपन कर दी गई है और तेलंगाना के मेदक डिस्ट्रिक्ट के मनोहराबाद में बनकर तैयार हुई है। दोस्तों ITC की ये फैसिलिटी ओवरऑल 59 एकड़ के एरिया में फैली है, 6.5 लाख स्क्वायर फीट इसका बिल्टअप एरिया है और क्योंकि बिल्डिंग पूरी तरह से सोलर पावर के थ्रू ऑपरेट होगी तो हमारी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जो कि मोस्टली बिल्डिंग्स को ग्रीन रेटिंग देती है, उन्होंने इस बिल्डिंग को प्लैटिनम लेवल की रेटिंग दे दी है, जो कि IGBC के द्वारा दी जाने वाली हाईएस्ट रेटिंग है। 4050 करोड़ पीस इस फैसिलिटी के ऊपर ITC के द्वारा स्पेंड किए गए हैं और क्योंकि इसका इनोग्रेशन भी कर दिया गया है तो यहां से फूड की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो गई है, साथ साथ उनके जो लॉजिस्टिक ऑपरेशन है वो भी स्टार्ट हो गए हैं। पढ़ेंगे दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है एक न्यू सोलर पार्क के डेवलपमेंट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों राजस्थान स्टेट में बहुत जल्द एक और सोलर पार्क हमको बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हमारे देश की वन ऑफ द लीडिंग सोलर पावर डेवलपर कंपनी रेस पावर इंफ्रा लिमिटेड के द्वारा डिसाइड किया गया है कि राजस्थान स्टेट में एक बड़ा सोलर पार्क डेवलप करेंगे और इसको लेकर उन्होंने MOU भी साइन कर लिया है। दोस्तों सोलर पार्क मोस्ट प्रोबेबली राजस्थान स्टेट का सेकंड या फिर थर्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क होगा, क्योंकि इससे पहले भी राजस्थान स्टेट में कई बड़े बड़े सोलर पार्क के ऊपर काम चल रहा है और भाटरा सोलर पार्क, जो कि हमारे देश का लार्जेस्ट सोलर पार्क है, वो तो बनकर तैयार हो ही चुका है। 1800 मेगावाट की कैपेसिटी बताई जा रही है और चार अलग अलग पार्ट्स में इसको डेवलप किया जाएगा। तीन पार्ट्स 300 मेगावाट के होंगे, जबकि एक पार्ट 900 मेगावाट का होगा। 9140 करोड़ रुपीज़ की बड़ी इन्वेस्टमेंट इस सोलर पार्क के ऊपर की जाएगी। रेस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि करंटली हमारे देश में छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रही थी, अब ये उनका लार्जेस्ट सोलर पार्क होगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों US बेस्ड डाटा स्टोरेज डिवाइस मेकर माइक्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा प्लानिंग की जा रही है गुजरात स्टेट में $10 बिलियन की बड़ी इन्वेस्टमेंट करें और इसके थ्रू वो गुजरात स्टेट में डेटा स्टोरेज डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर फैसिलिटी सेटअप कर सकते हैं। सो बिल्कुल दोस्तों ये स्टेटमेंट गुजरात गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा दी गई है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी, जो कि USBC से काफ़ी बड़ी कंपनी है, इन्होंने रिसेंटली अभी ये भी अनाउंसमेंट की थी कि वो US में भी $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर्स के ऊपर करेंगे और अब ये बात भी सामने निकल कर आ रही है कि गुजरात स्टेट में भी $10 बिलियन, जो कि इंडियन रुपीज़ में अराउंड 75,000 करोड़ रुपीज़ से लेकर 80,000 करोड़ रुपीज़ के बीच में होते हैं, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट गुजरात स्टेट में प्लान कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अहमदाबाद से सारण के बीच लैंड को फाइनलाइज करने पर काम स्टार्ट किया जा चुका है। एटलीस्ट 3 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में इनका यह प्लान बनकर तैयार होगा और क्योंकि इन्वेस्टमेंट बड़ी है तो गुजरात गवर्नमेंट भी प्रायोरिटी बेसिस पर इस प्रपोजल के ऊपर काम कर रही है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि आज से 5-6 महीने पहले ये कंपनी हमारे देश में एक विजिट पर आई थी ताकि वो चेक कर सके कि कौन सी स्टेट में उनका प्लान सेटअप किया जा सकता है। पहले इन्होंने तमिलनाडु स्टेट को सिलेक्ट किया था, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देखते हुए इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये प्लान गुजरात स्टेट में बनकर तैयार होगा, तो देखते हैं कि ये कंसेप्चुलाइज हो पाता है या फिर नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।